नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं एक फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन साइट पर। यहाँ पर हमने तरह तरह के उपाय किए और ये सब करने के साथ साथ हमने यहाँ पर एक किया जो कि आज की हम लोग आपको विधि दिखा रहे हैं। वास्तु शांति की पूजा की गई, जिसमें यजमान की तरफ से सात सुहागिन महिलाओं को बुलाया गया था और कुछ और भी वैल्यूएबल लोग उनके तरफ से आए हुए थे। तो हमने एक बहुत ही प्यारा उनके प्लॉट पर, देखिए कच्ची ज़मीन पर जितने भी उपाय किए जाते हैं वो बहुत वैल्यू करते हैं। वास्तु दिशा में नहीं होती, दशा में होती है। तो लैंड एनर्जी जो आप बढ़ा सकते हैं, ज़मीन की मिट्टी की जो एनर्जी आप बढ़ा सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है वास्तु में, शास्त्रों के अकॉर्डिंग। और उसमें 70% तक मार्क्स अपने शो में से ज़मीन की ऊर्जा को दिए गए हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग ज़मीन की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, तो हमने कच्ची मिट्टी पर वास्तु शांति का पूजन किया, बहुत ही आनंद के साथ किया। आप देखेंगे कितना सारा यहाँ पर वाद्य यंत्रों का और कितने सारे घंटियों का, मजीराओं का उपयोग किया गया, जिससे कि हमारी सोई हुई ज़मीन जो है उसमें जो भी देवताज हैं वो जाग जाते हैं और उसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है। आप सुनेंगे बड़ा ही आनंद के साथ ये वास्तु शांति का पूजन यहाँ पर चल रहा है। और इस वास्तु शांति की पूजन के बाद जब आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारी बारिश आपको यहाँ पर देखने के लिए मिली, जो कि एक बहुत अच्छा निमित्त ज्ञान होता है कि आपका जो किया हुआ पूजा है वो सफल हुआ। इंद्रदेव जी जब प्रसन्न होते हैं आपकी पूजा से, तो बहुत अच्छी बारिश यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली वास्तु शांति पूजा के बाद, और सब बहुत ज़्यादा आनंद में रहा। और इसके बाद यहाँ से उठने का मन नहीं किया, मतलब इतना आनंद आपको इस ज़मीन पर आ रहा था एक्चुअली में। तो आप भी इस तरह के वास्तु शांति पूजा और अपनी ज़मीन की ऊर्जा को बढ़ाने के कार्यक्रम करवाना चाहते हैं तो हमें गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।